फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूबर हैं या तो तगड़ा वाला यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए यूट्यूब थंबनेल। अब आपका मन में ये सवाल आया होगा कि भाई यूट्यूब थंबनेल क्या होता है, तो आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर ले जाकर बताते हैं कि यूट्यूब थंबनेल आखिर होता क्या है। तो जैसे हम यूट्यूब एप्लीकेशन पर गए तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर का जो सारा का सारा फोटो देख पा रहे होंगे, इसी को यूट्यूब थंबनेल बोला जाता है। अब आप बोलोगे भाई यूट्यूब थंबनेल से क्या फायदा होता है, तो यूट्यूब थंबनेल से क्रिएटर को और ऑडियंस को दोनों को फायदा होता है। अब पूछोगे भाई क्रिएटर को कैसे फायदा होता है, तो क्रिएटर को फायदा होता है क्योंकि क्रिएटर जब अपना YouTube वीडियो पे थंबनेल लगाते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं। आपका थंबनेल जितना अट्रैक्टिव हो उस पर उतना ज़्यादा ऑडियंस आएंगे और उतना ज़्यादा ऑडियंस उस वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब पूछोगे भाई ऑडियंस को क्या फ़ायदा होता है, तो ऑडियंस को ये फ़ायदा है कि ऑडियंस का समय बर्बाद नहीं होता। ऑडियंस को थंबनेल देखकर ही पता चल जाता है कि इस वीडियो के अंदर आखिर है क्या। अब आपको बात करेंगे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो हम आज बात करने वाले हैं कि YouTube थंबनेल कैसे बनाया जाता है, पूरा शानदार तरीके से बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि YouTube का थंबनेल हम पिक्सल लैब से बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर पिक्सल लैब का यूज करके अपना थंबनेल बनाते हैं और हम भी पिक्सल लैब से ही अपना थंबनेल बनाने जा रहे हैं। तो आपको बताने वाले हैं कि हम यूट्यूब थंबनेल पिक्सल लैब से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ थंबनेल आपको दिखा देता हूं। आप ये जो थंबनेल देख रहे हैं ये सारा का सारा थंबनेल हमने पिक्सल लैब से बनाया है। अब आपको लेके चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको तो डिलीट कर देंगे। इसको हम डिलीट कर लिए। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका जो है बैकग्राउंड लेंगे कि हमें किस तरह का बैकग्राउंड लेना चाहिए जो हमारा थंबनेल है वो खतरनाक किलर थंबनेल बने। तो यहां पे नीचे जो लेयर में देख रहे हैं वो सारा का सारा बैकग्राउंड में आप इसको ले सकते हैं। हम भी एक यहां पे बैकग्राउंड इसको ले लिए। लेने के बाद यहां पे फिर से न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर लेंगे। ऊपर में हम डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पर इससे हम क्या किए डिलीट कर लिए। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होता है कि इसको यूट्यूब थंबनेल साइज में कैसे लेके जाएं। तो यहाँ पे ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सारा ऑप्शन से हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे एक इमेज साइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्या करना है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा और उसका यहाँ कॉर्नर दिख रहा होगा, इस पर हमें क्या करना है क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यूट्यूब थंबनेल का, इस पर हमें क्या करना है क्लिक कर देना है। और यहां से फिर हमें क्या करेंगे यहां से हम ओके कर देंगे। तो ओके कर लिए, ये अब हमारा देख पाएंगे कि पूरा का पूरा YouTube थंबनेल साइज में आ गया। उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, यहां सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस सेटिंग के आइकन में हम जाके क्लिक करते हैं। किसमें करेंगे फ्रेंड्स, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको स्वैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा स्वैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक स्वैप ले लेते हैं क्योंकि हम इस पर कुछ टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, उसी टेक्स्ट साइज का हम यहां पे इसको क्या करेंगे उसी टेक्स्ट साइज का हम इसको यहां पे ले लेते हैं। लेने के बाद हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पे कलर हम कौन सा सेलेक्ट कर लें, ग्रेडियंट में जाते हैं, ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है, कलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम ग्रेडियंट में जाते हैं। उसके बाद यहां फर्स्ट में येलो कलर दिख रहा है वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमारा ठीक लग रहा है भाई, इसको हम क्या करते हैं डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम यहां पे बता रहे हैं कि हम 5 मिनट में अपना YouTube थंबनेल कैसे बनावें, हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे हम लिख लिए मैक थंबनेल इन ओनली 5 मिनट। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका हम साइज ले लेंगे, कलर ले लेंगे इसका। जैसे हम साइज क्या ले लेते हैं भाई, इसका हम यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहां पे साइज हम इसको क्या करते हैं इसको साइज में हम इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहां पे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे बहुत सारा कलर आया, तो हम अपना कलर कौन सा सेलेक्ट कर लें, तो हम अपना जैसे ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो हम व्हाइट कलर को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देख पा रहेंगे कि स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बी जो लेटर दिख रहा है ना,
बी जो यहाँ पे लेटर देख रहा है, इस लेटर पे हमें क्लिक कर लेना है। बी फोर यहाँ पे बोल्ड होता है, इस पर हम बोल्ड कर लिए। बोल्ड करने के बाद जब हम इसको और राइट स्क्रॉल करेंगे तो एक यहाँ पे हमें स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको जब हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे कि हमारा जो है वो इनेबल हो गया, और इनेबल होने के बाद हमारा जो है यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन, अब हम इसको और साइज में यहाँ पे मैच करवा लेते हैं। हाँ, हम इसको क्या किए कि इस साइज को हम यहाँ पे ले लिए। लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसका जो है थोड़ा शैडो को भी हम बढ़ा देते हैं। जैसे ये हमारा शैडो है, हम इसको शैडो को यहाँ पे डाल दिए, ये हमारा शैडो है, इसको हम शैडो यहाँ पे ले लिए, ताकि हमारा जो ये लिखा हुआ है वो साफ साफ पता चले। हमारा क्या है कि ये जो शेप है, शेप बड़ा दिख रहा है, तो अब हम इसको लॉक कर देंगे और शेप को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, और इसका साइज को हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, ताकि हमारा जो है मैच हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला हम स्टेप लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे और कुछ डालते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लिकली थंबनेल। हम यहाँ पे क्लिकली थंबनेल लिख लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हम ये इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम थोड़ा बोल्ड वोल्ड करते हैं, इसको भी थोड़ा स्टाइलिश लाते हैं, इसको भी हम थोड़ा कलरफुल करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लू कलर को ले लेते हैं। ब्लू कलर लेने के बाद हम इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको भी थोड़ा हम क्या करेंगे, स्टॉक में ले लेंगे। स्टॉक इनेबल कर दिए, स्टॉक का जो कलर रखते हैं वो हम येलो कर लिए, और येलो करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम यहाँ पे यही रख दिए। रहने के बाद हम इसको थोड़ा शैडो भी बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं, इसका शैडो भी इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद शैडो का जो हम कलर लेंगे वो कौन सा कलर लेते हैं, तो हम शैडो का कलर व्हाइट ले लिए। ये देख पा रहे कि धीरे धीरे जो है हमारा जो थंबनेल है वो खूबसूरत होने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पे और क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन का भी थोड़ा डाल देते हैं लोगों की, हम कौन सा एप्लीकेशन से थंबनेल बना रहे हैं। तो हम थंबनेल जो बनाते हैं वो पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बनाते हैं, तो हम पिक्सल लैब को यहाँ पे क्या किए, इम्पोर्ट कर लिए इसका लोगो को। इसका लोगो को हम क्या किए, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट कर लिए फ्रेंड्स। यहां पे देख पाएंगे इसका लोगो को हम इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको भी हम स्टॉक में डाल देंगे, तो स्टॉक जब इसका इनेबल कर देंगे तो ये भी थोड़ा ठीक लगने लगा। उसके बाद हम इसका भी थोड़ा शैडो लगा लेते हैं, इसका भी क्या करेंगे, थोड़ा शैडो हम लगा देंगे। तो शैडो लगाने के बाद इसका कलर हम येलो कलर कर देते हैं, शैडो कलर येलो। यहां पे देख पाएंगे कि ये भी हमारा जो है वो ठीक लगने लगा। उसके बाद जो हम थंबनेल एक दो बनाए हैं वो थंबनेल को यहां से ले लेते हैं, हाँ, ताकि हमारा ठीक लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करें कि इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में जाने के बाद हम जो पहले थंबनेल बनाए हैं वो थंबनेल को हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं अपना फाइल से। जैसे हम क्या करेंगे कि एक जो है हम ये वाला, जैसे हम ये वाला एक थंबनेल ले लिए, ये वाला थंबनेल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइज ले लिए। साइज लेने के बाद हम यहाँ पे ये वाला थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये साइज में हम यहाँ पे ले लिए, ताकि पता चले कि इस तरह का थंबनेल हम बना रहे हैं। ये भी हमारा जो है पिक्सल लैब से बनाया हुआ थंबनेल है। इसका भी हम क्या करेंगे, स्टॉक को इनेबल कर लेंगे। स्टॉक को इनेबल करने के बाद इसका कलर हम कौन सा ले लेते हैं, इसका कलर हम येलो ले लेते हैं। येलो लेने के बाद इसका भी शेडो को हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। कौन सा कलर में इनेबल करेंगे भाई, तो इसका हम व्हाइट कलर में जैसे इनेबल कर देते हैं, व्हाइट कलर में हम इसको क्या किए, इनेबल कर दिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो हम एक और थंबनेल उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ताकि पता चले हमारा ऑडियंस को कि यहां पे भी अच्छा से थंबनेल बनाया जा सकता है। जैसे हम क्या करेंगे कि ये वाला थंबनेल को हम यहां पे ले लिए, ये वाला थंबनेल लेने के बाद, ये वाला थंबनेल हमारा पिछला वीडियो का थंबनेल है, देख पाएंगे इसको हम क्या किए कि यहां से वही साइज में हम इसको यहां पे ले लिए। इसका भी स्टॉक को हम क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनेबल कर देंगे। इनेबल कौन सा कलर में करेंगे, येलो कलर में करेंगे,
कलर में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी शैडो को इनेबल कर देंगे। शैडो कौन कलर में लेंगे, हम शैडो व्हाइट कलर में लेंगे। शैडो व्हाइट कलर में लेने के बाद इसका भी शैडो को हम थोड़ा ग्रो कर दिए, अब हमारा पता चल गया। अब ये हम कुछ इमोजी डाल देते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो क्लिक थंबनेल है इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, करने के बाद हम यहाँ पे एक इमोजी डाल देते हैं ताकि हमारा और ठीक लगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इमोजी डाल लेते हैं। इमोजी डालने के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो ये लेटर दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसका मतलब होता है कि आप टेक्स्ट में जा रहे हैं। तो हम भी इस पर हम क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद हम एडिट पे जाएंगे तो ये जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसको हम डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे इमोजी में चल जाएंगे। इमोजी हम यहाँ पे आग वाला फायर वाला इमोजी ले लेते हैं। लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हम इसको लगा लिए ताकि हमारा थोड़ा ठीक लगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है वो थंबनेल बन के हो गया है तैयार। उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए ऊपर में एक यहाँ पे सेव का दिख रहा होगा प्रिंटर का ऑप्शन, इस पर हम लोगों को क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेव या इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो इसका क्वालिटी के लिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अल्ट्रा का, इसको हमेशा अल्ट्रा में सेव करना है। हम इस पर अल्ट्रा में सेव कर लिए, अल्ट्रा में सेट कर दिए। उसके बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा थंबनेल बन के हो गया तैयार। अब हम आपको गैलरी में ले जाके दिखाते हैं कि हमारा थंबनेल जो है वो बन के हो गया तैयार। यहाँ पे देखिए ये थंबनेल हम अभी आपके सामने जो है वो थंबनेल को क्रिएट किए, यही थंबनेल है ना, ये थंबनेल आपके सामने हम बना के तैयार किए। अब आपको बताना ये है कि आपका थंबनेल बनाने का ये आइडिया कैसा लगा, बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। फिर मिलेंगे इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।